यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो गंगा प्राइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन की। बीते 12 दिनों से राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को भारत बंद का ऐलान किया गया है। किसान संगठनों के इस भारत बंद को विपक्ष के तमाम दलों ने समर्थन दिया है। कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर की 10 से ज्यादा पार्टियों ने साझा बयान जारी करते हुए भारत बंद को अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा कई संगठन भी किसानों के भारत बंद को अपना समर्थन दे चुके हैं। किसान संगठनों ने कल बुलाए गए भारत बंद को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की बात कही और इस बंद से आम जनता को परेशानी ना हो इसलिए भारत बंद की शुरुआत सुबह 11 बजे से करने का ऐलान किया है जो दोपहर 3 बजे तक चलेगा। हालांकि किसानों के बंद को देखते हुए दिल्ली NCR में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो दो तस्वीरें, कल भारत बंद है, पूरा प्लान तैयार हो चुका है, सुरक्षा चाक चौबंद है। केंद्र मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है सभी राज्यों को कि आप सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें और कहीं पर अगर जबरन बंद करवाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हमारे भाई मध्य प्रदेश वाले उधर मोर्चे पे हैं, मध्य प्रदेश के साथियों से भी बात हुई है और रात मेरी कर्नाटका वाले भाइयों से भी बात हुई। मुझे लग रहा है कि इसका असर पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगा, पूरा भारत बंद होगा। ये बंद सुबह से लेकर शाम तक है, इसमें चक्का जाम जो है दोपहर 3 बजे तक रहेगा। लोग अपनी अपनी सहूलियत के जरिए 11 से 3, 10 से 3 या 3 बजे चक्का जाम खत्म हो जाएगा। बंद पूरे दिन के लिए है। दूध सब्जी वगैरह का भी हमने कॉल दिया है कि नहीं आएगा। अस्पताल के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज, शादियों वाले या इस तरह का जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो जारी रहेंगी। भारत बंद जो है ये पूरी तरह शांतिपूर्वक है, हमारा कॉल है। कोई जोर जबरदस्ती या कुछ कोई चीज करने की हमारे साथियों ने अपील किया कि नहीं होगी। तो राजनीतिक दलों को हमारा आह्वान है कि उन्होंने जो हमारा सपोर्ट किया हम उनका धन्यवाद करते हैं पंजे इंडिया के, लेकिन उनको हमारा अपील ये है कि वो अपना झंडा बैनर किसान संगठनों की जो सपोर्ट करने के लिए आए हैं उसको घर में छोड़ के किसानों के स्पष्ट आके वो बंद में शामिल हो। धन्यवाद। अभी क्वेश्चन आंसर। किसान संगठनों ने कल होने वाले भारत बंद को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। किसान संगठनों ने देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद को सफल बनाने की अपील की। हालांकि भारत बंद के दौरान किसान संगठन चक्का जाम और प्रदर्शन करेंगे जिसके चलते बाजार और दुकानें बंद रह सकती हैं। ऑटो ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाओं और बस सेवाओं पर बंद का असर पड़ सकता है और दिल्ली NCR में दूध सब्जी जैसी जरूरी सामानों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा पेट्रोल पंप भी बंद रह सकते हैं और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े कामकाज पर भी बंद का असर देखा जा सकता है। लेकिन एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं के अलावा दवा की दुकानें, क्लिनिक और अस्पताल सुचारू रूप से काम करते रहेंगे। इसके अलावा शादी समारोह और अन्य आयोजनों को बंद से दूर रखा गया। भारत बंद से पहले गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी करते हुए दिशा निर्देश दिया है और राज्यों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए और राज्य सरकारों को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विरोध प्रदर्शन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो सीधे संवाददाताओं का रुख करते हैं। हमारे साथ शक्ति सिंह जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, संतोष शर्मा लखनऊ से, बलराम पांडे चिल्ला बॉर्डर से जुड़ गए हैं। संतोष, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे, राजधानी में किस तरीके से दिशा निर्देश जारी हुए हैं और जमीन पर क्या दिख रहा है, क्योंकि ये पूरी कोशिश होगी किसान संगठनों की कि शांतिपूर्ण तरीके से बंद को सफल बनाया जाए। देखिए, कल का दिन न सिर्फ किसान आंदोलन के लिए बल्कि तमाम राजनीतिक दलों के लिए बेहद अहम होगा। आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की हिरासत में लिए जाने के बाद से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो राजनीतिक पारा बढ़ा उसके बाद से उसका असर कल भी देखा जाएगा। और आज इसी को देखते हुए, भांपते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अभी 7:30 बजे जब हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं, अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, उसके थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास से DGP समेत तमाम अफसरों की मौजूदगी में जिले के अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के
चाहे वो डीएम हो, पुलिस अधीक्षक हो, या नोएडा लखनऊ का पुलिस कमिश्नर हो, मंडलायुक्त हो, आईजी एडीजी, सभी शामिल होंगे। और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से किसान आंदोलन या भारत बंद के आंदोलन के आड़ में अराजकता ना फैलने पाए। इसको लेकर के साफ तौर पर निर्देश जो जारी किए गए हैं कि दिल्ली और नोएडा की तरफ जाने वाले जितने भी उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए रास्ते हैं, वहां पर करीब 10 किलोमीटर में 5 पॉइंट्स, चेकिंग के पॉइंट्स बनाए जाए कि अगर कोई किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहा है तो उसको रोका जा सके, अराजकता ना फैलने पाए। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश से सटे हुए 3 राज्यों की सीमाओं पर भी कार्यालय सील कर दिया जाएगा, वहां पर सघन चेकिंग होगी। आने जाने पर पाबंदी नहीं होगी, लेकिन वाहनों की सघन चेकिंग होगी। उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों से जो जुड़े हुए सीमाएं हैं उत्तर प्रदेश की, वहां पर सघन चेकिंग के आदेश दे दिए गए हैं, कल सघन चेकिंग होगी। वहीं दूसरी ओर सभी जिलों के जो इंटेलिजेंस यूनिट है, LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, उसको सक्रिय कर दिया गया है कि राजनीतिक दल भारत बंद की आड़ में जबरन कहीं गुंडाई नहीं होने दी जाएगी। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस को भी इस बात की ताकीद कर दी गई है। बिल्कुल, मतलब ये ताकीद रहेगी कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बलराम, आप बॉर्डर पर खड़े हैं, किस तरीके की तैयारियां वहां पर हैं? क्योंकि किसान 2-3 दिन पहले से ही रणनीति बनाने लगे थे और सारा फोकस 8 तारीख को लेकर है, कल को लेकर है। देखिए अवधेश, जिस दिन किसानों ने ऐलान किया था कि 8 दिसंबर को भारत बंद होगा, उसके बाद से ही किसान लगातार अपनी प्लानिंग करने लगे थे, अपनी रणनीति तय करने लगे थे कि आखिरकार 8 दिसंबर को वो भारत बंद का जो आह्वान है उसको सफल कैसे बनाएंगे। और यही वजह है कि हर संगठन इसमें लग गया कि किसी भी तरीके से उन्हें भारत बंद को सफल बनाना है, क्योंकि इसी से सरकार को मैसेज जाएगा कि किसान कितना देश में एकजुट है इस बिल के विरोध में। और सरकार की भी निगाहें कल बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वो भी देखना चाहती कि आखिरकार देश का किसान कितना एकजुट है इस बिल के विरोध में। और आपको बता दें अवधेश, इस वक्त हम दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद है, जहां पिछले 12 दिनों से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। और उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक सरकार ये तीनों बिल वापस नहीं लेती है, वो यहां से वापस नहीं जाएंगे। हमारे साथ खुद भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कल भारत बंद को किस तरीके से आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, कितना वो सफल बनाएंगे और क्या कुछ चीजें बंद कराएंगे। हम राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पे, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो उत्तर प्रदेश में हर जिले में हर जगह मेरे आह्वान कर रहा हूँ किसानों से, कार्यकर्ताओं से, कि घरों से निकल के सड़कों पे आओ, 12 बजे से 5 बजे तक चक्का जाम या सड़कों पर प्रदर्शन होने हैं। और पूरी तैयारी के साथ आओ, ट्रैक्टर से या वाहनों से, गाड़ी से या बस से, जैसे भी आओ, और 5 बजे वहाँ से कूच करनी है, चूँकि यहाँ 9 तारीख की चिल्ला बॉर्डर पे महापंचायत होगी, महापंचायत को सफल बनाने के लिए। यानी आपने कल भारत बंद के बाद 9 तारीख को जब सरकार बात करेगी किसानों से, तो उस समय आप महापंचायत? बिल्कुल, महापंचायत भी होगी। शक्ति भी हमारे साथ है। शक्ति, एक छोटा सा रिएक्शन आपका भी चाहेंगे। गाजियाबाद में किस तरीके की तैयारी है किसानों की? देखिए जी, गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद का जो किसान है जो यहाँ पर यूपी गेट पर बैठा है, वो लगातार यहाँ पर जमा हुआ, और उसका कहना है कि कल 8 दिसंबर को हमें अपनी शक्ति दिखानी है, हमें अपनी ताकत दिखानी है, ताकि सरकार के साथ जो अगली मीटिंग होने वाली है, सरकार हमारी बात मान ले। तो कहीं ना कहीं 8 दिसंबर पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अगर हम बात करें यहाँ किसानों की, तो किसान भी हमारे साथ है, ये इनसे भी एक बार बात कर लेते कि कल भारत बंद है, उसके लिए क्या तैयारी आप लोगों की? सब कुछ तैयारी है हमारी, पूरे भारत में तैयारी है। आप बताइए क्या तैयारी है? हमारे तो यह हमारे संगठन ने, सभी संगठन ने मिलकर अपील की है, तैयारी तो स्वतः ही किसानों ने अपने आप की है, और सभी व्यापारी वर्ग का, सभी मजदूर वर्ग का, सभी का हमें समर्थन है। उन्होंने स्वतः ही तैयारी करते हुए सारी चीज बंद रखने का फैसला लिया है, मंडी समिति हो चाहे बजाजे हो, सारी चीज अपने आप। बिल्कुल, और किसान संगठनों को भी ये ध्यान रखना होगा कि ये सब पूरा बंद सफल हो, लेकिन कुछ अराजक तत्व जो मामला गड़बड़ करते हैं वो इसमें ना घुसने पाए। आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। किसानों के भारत बंद को लेकर अब प्रशासन भी अलर्ट है। नोएडा में जहां प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी, वहीं पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। इधर श्रावस्ती में भी पुलिस अधिकारियों ने फ्लैग मार्च किया, ताकि उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जा सके। 2 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं नोएडा और श्रावस्ती की। देखिए तस्वीर, फ्लैग मार्च जारी है क्योंकि गृह मंत्रालय से भी निर्देश है और
मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि हालात पर नजरें बनाए रखी जाएं। नोएडा की पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर श्रावस्ती की, पुलिस अलर्ट पर है और कोशिश ये है कि बंद अपनी जगह है लेकिन कहीं पर गुंडागर्दी बंद के नाम पर ना होने पाए, कहीं पर जबरन दुकानें ना बंद करवाई जाएं, किसी भी तरीके की बदतमीजी ना हो और किसी कोई दिक्कत ना हो, ये तमाम चीजें जो हैं वो पुलिस ख्याल रखेगी। नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नोएडा पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और नोएडा के फेज 2 क्षेत्र में पीएसी जवान सहित नोएडा पुलिस ने रोड पर फ्लैग मार्च किया है। पुलिस के आला अधिकारी भी मार्च में शामिल हुए। थाना फेज 2 के क्षेत्र में भीड़ वाले इलाके और इंडस्ट्रियल एरिया में ये मार्च निकाला गया।